नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, तिलन की कीमतों में गिरावट के साथ साथ आने वाले त्योहारी सीजन में अब खाद्य तेलों के ये दाम भी कम होने जा रहे हैं। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि खाद्य तेलों की कीमतें कम हों, तो इसके लिए सरकार ने पिछले दिनों स्टॉक सीमा लागू की और अभी फिलहाल कस्टम ड्यूटी में भी कमी की है, तो इसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। खाद्य तेलों के दामों में कम से भी कम 15 से 20 रुपये लीटर की कमी आने की संभावना है, ऐसा खाद्य तेलों के संगठन का मानना है। तो इसका जो खाद्य तेलों की त्योहारी सीजन में आपूर्ति बेहतर हो, इसके लिए सितंबर में तेलों का यानी खाद्य तेलों का रिकॉर्ड आयात किया गया और सरकार ने खाद्य तेलों की कीमतों में राहत देने के लिए सीमा शुल्क घटाने का ऐलान किया है। इसके चलते पाम ऑयल और सूरजमुखी के तेलों में 15 रुपये लीटर तक की कमी आने की संभावना है। खाद्य तेल संगठन SEA का कहना है कि सितंबर में खाद्य तेलों का आयात 63% बढ़कर रिकॉर्ड 16.98 लाख टन पहुंच गया है। ये किसी भी एक महीने में हुआ अब तक का सबसे ज़्यादा आयात है। पाम तेल की रिकॉर्ड हिस्सेदारी इसमें शामिल है। इससे पहले सबसे ज़्यादा खाद्य तेलों का आयात अक्टूबर 2015 में हुआ था, 16.51 लाख टन। अखाद्य तेलों का आयात भी पिछले साल के 17,702 टन के मुकाबले करीब 3.5 गुना बढ़कर 63,608 टन तक पहुंच गया है। कुल तेल आयात में पाम तेल की हिस्सेदारी भी पिछले साल के 54% से बढ़कर 63% तक पहुंच गई है और सरकार ने अभी तक लगातार खाद्य तेलों की कीमतों में कमी लाने के जो प्रयास किए हैं उसका असर आने वाले त्योहारी सीजन में देखने को मिलेगा। रिफाइंड पाम तेल के दाम में कम से कम 8 से 9 रुपये लीटर और सूरजमुखी सोयाबीन के तेल में 12 से 15 रुपये लीटर तक की कमी आने की संभावना है। तो दोस्तों, सरकार के किए गए इन प्रयासों का असर तिलन की कीमतों पर भी पड़ेगा। तिलन की कीमतों में भी ज़्यादा तेज़ी आने की फ़िलहाल संभावना नहीं है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल लेन देन न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।